जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कांग्रेस की सरकार के द्वारा किसानों के कर्ज माफ़ी का बड़ा ऐलान है वो किया गया है और राज्य के तकरीबन 23 लाख किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान कर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक है वो खेला है। तो ऐसे में किसानों के मन में सवाल उठ रहा है कि उनका जो कर्ज माफ़ी होगा क्या केवल सरकारी बैंकों से लिया गया ही कर्ज माफ़ होगा या अन्य किसी कमर्शियल बैंक से लिया गया कृषि लोन है वो भी माफ़ होगा, ऐसा किसानों के मन में सवाल उठ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर के किसानों से बातचीत की और ये स्पष्ट कर दिया है कि इन सभी बैंकों के द्वारा लिया गया कर्ज है वो किसानों के माफ़ होंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावी वर्ष के लिए कांग्रेस के द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा के बारे में मुख्यमंत्री ने लोगों से चर्चा की। तो चलिए विस्तार से जानकारी के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उन्हीं की वाणी में सुनते हैं। चार ठक हमन वादा करें, पहली 20 क्विंटल धान खरीदवो, दूसरा राहुल गांधी की जाति की जनगणना करवो, प्रियंका गांधी के कि 17.5 लाख परिवार आवास देवो, 7.5 लाख के खाते में पैसा पहुंच गए, 10 लाख लहू देना है। और वो दिन नवरात्रि के दिन शक्ति में मैं घोषणा करें किसान मन के फिर से कर्जा माफ होई, फिर से कर्जा माफ होई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मन तिल मिला गए, बखला गए, काबर कर्जा माफ करे, किसान के हाथ खींच के काम करे, फिर काबर कर्जा माफ करे सर। और मैं बड़ौदा बाजार के मंच में कहा था मैं किसान मन के कर्जा माफ करे तेकर से तिमोल वोट दूजे मैं मांगा था, दोगे दो दल बताओ, हाथ उठा बताओ। नहीं होती तो हो देते इसका 2640, अगले साल 2800, फिर 3000, फिर 3200, लगातार बढ़ी किसान के धान की कीमत। यहाँ गारंटी की बात नहीं होते, गारंटी के भरोसा के बात होते। कार्य छत्तीसगढ़ के जनता हमारे ऊपर भरोसा करते, कांग्रेस के ऊपर भरोसा करते। केंद्र सरकार में रहें यूपीए सरकार तो 70,000 करोड़ रुपया माफ हो, पिछले समय सरकार में आए 9.5 हजार करोड़ रुपया माफ करें, अभी फिर अभी हिसाब किताब करे नहीं है। लेकिन जब का किसान के कर्जा है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में ले चाहे वो कमर्शियल बैंक में ले, वो पैसा जब का कोऑपरेटिव बैंक में प्रति एकड़ के हिसाब से वही हिसाब से कमर्शियल बैंक के भी छूट होगी। छत्तीसगढ़ के जनता लहमन वादा करें किसान के कर्जा माफ करबो, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता हम देव खरीदबो, बिजली बिल आधा करबो, ये सब वादा कर रहे हैं। आप 68 सीट 3/4 बहुमत से जीता जीतेन, शपथ लेन, शपथ लेके सब जन आप भी अपन घर में जाते, माता पिता का आशीर्वाद लेते, मन घर नहीं गए, एयरपोर्ट से शपथ लेन, एयरपोर्ट में नेता मन ल छोड़ेन और सीधा मंत्रालय गेन। राहुल गांधी 10 दिन के रिस मोला 10 दिन में ऋण माफी, 10 घंटा नहीं लगाए, 2 घंटा के अंदर में 19 लाख किसान के 9.5 हजार करोड़ रुपया माफ करें 2 घंटा में। हम जिन गारंटी दे रहे हैं देकर भरोसा, पहली भरोसा हम जीते हैं किसान के, जिन किसान धान बेच डर रही से वो ऋण ले रहे थे समायोजित कर दे रही से 1200 करोड़ रुपया जमा हो गई बैंक में, कभी जमा पैसा वापस में नहीं मिले ऋण के, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसान मन के सरकार वो 1200 करोड़ फिर वापस करा दें जिन किसान धान बेच दे रही से। भरोसा जीते के काम 2500 रुपया हम खरीदी करें, ये तीसरा भरोसा, जिन बेच डर रही से तेनो 2500 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।